subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना फिर बेकाबू, सेहतयाब हो जाने वाले भी गैर महफूज। पाकिस्तान में कोरोना ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। कोरोना केसेस की शरह 7% से बढ़ गई। 2443 नए केसेस, 24 घंटे में मजीद 19 अफराद जांबहक हो गए। तहरीक लब्बैक की रैली के दौरान कारकुनों और सिक्योरिटी अहलकारों में झड़पें हो गईं। 200 कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैजाबाद पर धरना दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। तमाम नतायज मौसूल हो गए। पीटीआई 9, PP 4 और नून लीग 2 नशस्तों पर कामयाब। 7 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। नतीजे आने पर गिलगित के मुख्तलिफ मुकामात पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 1.71 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1.79 रुपये की कमी की गई। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare. www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस ने शक्ल तब्दील कर ली है और तेजी से फैल रहा है। अगर हमने एहतियात ना की तो खदशा है कि अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि कोरोना वायरस की तबाही से बच गए। जून में हमारे अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए थे, ताहम कौम ने एहतियात की और हम कोरोना की तबाही से बच गए। लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर आ रही है और पहले से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में कोरोना के 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने अगर एहतियात ना की तो खदशा है कि अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे, जबकि हालात देखकर स्कूलों से मुतालिक एक हफ्ते में फैसला करेंगे। स्कूलों से कोरोना फैला तो सर्दियों में तातीलात बढ़ा देंगे, गर्मियों में कम कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए हैं, दूसरों को भी कहेंगे जलसे ख़त्म कर दें। किसी भी तकरीब में 300 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शादियों की तकरीबात खुले मकामात पर की जाएं। मस्जिद में रमजान की तरह SOPs पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हमने कोरोना से अमवात और मईशत को बचाया, ताहम टूरिज्म शादी हॉल को बहुत नुकसान पहुँचा है और टाइगर फोर्स हमें बताए कौन SOPs पर अमल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा।
कोरोना वायरस से 19 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,160 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,59,032 हो गई। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना टेस्ट मजबत आने पर खुद को करंतीना कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,128 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,10,450, सिंध में 1,55,680, खैबर पख्तूनख्वा में 42,370, बलोचिस्तान में 16,407, गिलगित बल्तिस्तान में 4,452, इस्लामाबाद में 24,218, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,455 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 49,50,561 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,511 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,23,824 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,379 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 19 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,160 हो गई। पंजाब में 2,475, सिंध में 2,747, खैबर पख्तूनख्वा में 1,311, इस्लामाबाद में 257, बलोचिस्तान में 156, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आज़ाद कश्मीर में 121 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनान ने वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद और इसके जुड़वा शहर रावलपिंडी के संगम में वाकिए फैजाबाद चौक पर धरना दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक लबैक पाकिस्तान के नामों से रिसालत धरने के बायस जुड़वा शहरों में मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस ताहाल बंद है, जबकि फैजाबाद सूरत हाल के बाद रावलपिंडी अंदरूने शहर कंटेनर्स और रुकावटें बदस्तूर मौजूद हैं। धरने के बायस एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सरकारी मुलाजमीन और खवातीन दफातर पहुंचने में ट्रांसपोर्ट के मुंतजर हैं। जुड़वा शहरों की पब्लिक वैन सर्विस भी रुकावटों के बायस बंद है, जबकि पुलिस ने फैजाबाद पुल को चारों अतराफ कंटेनर्स रख के बंद कर रखा है। वाजह है कि रावलपिंडी में फ्रांसीसी गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान की एहतजाजी रैली गुज़िश्ता रोज़ फैजाबाद पहुँची थी। शहर में तहरीक लबैक कारकुनों और कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के अहलकारों के माबैन झड़पें रात गए तक जारी रहीं। इस दौरान सिक्योरिटी इदारों ने तहरीक लबैक के 200 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 12 पुलिस अहलकार मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तमाम नशस्तों के गैर सरकारी नतायज मौसूल हो गए। तहरीक इंसाफ 9 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों के साथ दूसरे और नून लीग 2 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। 7 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार फतेह याब हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तमाम नशस्तों के गैर सरकारी नतायज मौसूल हो गए। तहरीक इंसाफ 9 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों के साथ दूसरे और नून लीग 2 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। 7 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार फतह याब हो गए। इंतखाबात में तमाम 23 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी को 4, मुस्लिम लीग नून को 2 और MWM को 1 नशस्त मिली, जबकि 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नतायज आने पर गिलगित के मुख्तलिफ मकामात पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की गई और मुतवक्के फतेहयाब उम्मीदवारों के कारकुनों ने जश्न मनाया। गिलगित में RO ऑफिस के सामने इंतखाबी नतायज के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुजाहिरीन से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के हक पर डाका डाला गया है। वोट का तहफ्फुज़ करने वालों ने हुकूमत का साथ देकर अपोजिशन को मात दी। उनको पता था PTI गिलगित बल्तिस्तान में सिफर है। PTI में शमूलियत के लिए लोगों पर दबाव डाला गया। उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़कर PTI में शामिल हो जाने के पैगाम दिए गए। आपके कैंडिडेट्स पे दबाव डाला गया, बड़े बड़े लोगों ने उनको पैगाम भेजे कि भुट्टो की पार्टी छोड़े, बीबी की पार्टी छोड़े, PTI में शमूलियत करे, आजाद जीते, आपका सियासत रहेगा, आप सियासत पे काम कर सकेंगे। दूसरी तरफ समाजी राबते की साइट ट्विटर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि पूरी रियासती ताकत हुकूमती इदारों सरकारी मशीनरी का जोर जबरदस्ती और जबर के हथकंडों से वफादारियां तब्दील कराने और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर आवाम का अदम एतमाद है।
वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में की गई कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 43 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वजारत खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे की कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत में की गई कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 65 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल की कीमत 62 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका इतलाक रात 12 बजे से होगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।